पुलिस को खबर मिली थी कि जैश महम्मद के दो लोकल टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस आर्मी सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला, कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गई। क्योंकि अंधेरा हो गया था और टेररिस्ट दो तीन हाउसेज को शिफ्ट किया था, तो रात में ऑपरेशन को रोक दिए, सारे सिविलियन के विकेट किए। आज मॉर्निंग फिर से फायरिंग भी हुआ जिसमें जैश महम्मद के दो टेररिस्ट मारे गए, जिसमें साकिब एक लोकल है, दूसरा आबिद है। ये दोनों हमारे एक पुलिस वाले जो कंस्टेबल रियाज साहब थे उसको 13 मई को अटैक करके उसको मार दिया था, तो उसको जस्टिस यार साहब को जस्टिस मिला। देखिए इसके लिए हम लोग मल्टी डायमेंशनल फ्रंट पर काम कर रहे हैं। पहला तो पेरेंट्स से हेल्प लेके कुछ बच्चों को वापस लाए हैं, कुछ जो है टेक्निकल सर्वाइंस से हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं कि उसको अरेस्ट किए, जो उसको मोटिवेट करता है रिक्रूट करता है उसको PSM बुक करके बाहर आउट ऑफ स्टेट भेजे हैं। उसके अलावा कुछ जो बच गए हैं देखते होंगे इनकाउंटर में भी हम लोग उसको मौका देते हैं कि सेंडर कर जाओ। आप बारामूला में देखे होंगे एक टेरिस्ट की, नए रिक्रूट टेरिस्ट की माँ अपील कर रही थी, टेरिस्ट को गाली भी थी, उसको कांधों को दी थी। तो इस समाज में चेंज आ रहा है, मैं इसमें पेरेंट्स से फैमिली मेम्बर से अपील करता हूँ कि पुलिस का सहयोग दें और जो स्टाफ लड़के भरे रहते हैं उसको वापस। अभी हम लोग बाबा बोल चुके कि बहुत विस्तार में 3 लेवल 3 टाइप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, CCTV कैमरा यूज करेंगे, ड्रोन का यूज करेंगे, हर एक गैजेट का यूज करेंगे हम लोग।